गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3rd, टॉपिक है वीस्टर्न ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखिए हमें एक ये डायग्राम दिया गया है और ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो इसे किस टाइप से करना है क्वेश्चन को, तो वो देखिए। सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सर्किट में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया और इस वाले पॉइंट पर बी लिया, इस वाले पॉइंट पर सी पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर डी। अब देखना, ये बताइए ए पॉइंट यहाँ पर है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू है आर। इसके बाद ये वाला हमने काउंट कर लिया है। इसके बाद ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी काउंट हो गया। इसके बाद सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर। सी और डी इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए जिसकी वैल्यू है आर, तो सी और डी ये वाला रेजिस्टेंस भी हमने काउंट कर लिया। इसके बाद डी और बी, ये पॉइंट बी है, डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। डी यहां पर है, बी यहां पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर वैल्यू का, ये है आर, ये वाला भी काउंट हो गया। अब कौन बचा, ये वाला सी और बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो इससे हमें क्या पता चला, इन सर्किट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब यहां पर देखिए, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। यहां पर देखिए ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। पी की जगह पर यहां पर है आर, क्यू की जगह पर आर, आर की जगह पर आर है, एस की जगह पर आर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब क्या है, बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब यह हो गया वी सी पोटेंशियल एट सी पॉइंट एंड पोटेंशियल एट डी पॉइंट आर सेम या इक्वल। जिसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सी डी, सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ नो करेंट फ्लो इन सीडी ब्रांच ऑफ सर्किट। सर्किट की सीडी ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। सो नेगलेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी पॉइंट, अगर इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट कन्वर्ट हो गया इस टाइप से, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, तो ये सिंपल सर्किट ये वाला बन गया। यहां से रेजिस्टेंस को गायब कर दिया, ये इस टाइप से आ गया। इसे सॉल्व कीजिए तो ए आर, ये सी पॉइंट, फिर एक रेजिस्टेंस और हम कहां पे आ गए, बी पॉइंट पर, ये आर पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये आर। ये बताइए यहां से लेके यहां तक कितना रेजिस्टेंस हो गया टोटल, ये रेजिस्टेंस हो गया 2R। ऐसे ही यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हो गया 2R। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस सॉल्व करो इसे पैरेलल की कंडीशन लगा के, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रोसीजर है, ये स्टेप आपको लिखने होंगे और इस टाइप से इसे सॉल्व करना होगा। इससे रिलेटेड और भी कई सारे पैटर्न हैं जो इसी टाइप से कन्वर्ट करने होते हैं, वो आपको आगे आने वाले लेक्चर में हम बताने वाले हैं। और इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd बताए जा चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डाला हुआ है, तो आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।